आपका स्वागत है इस हिंदी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्मार्ट कंप्यूटर टिप्स। और मैं सनी आज आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी चीज़ को सीडी में कैसे बंद कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक सीडी से किसी भी विंडो या कोई सॉफ्टवेयर को कॉपी करके किसी दूसरी सीडी में कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उसके लिए आता है एक सॉफ्टवेयर, आता है गिज़्मो। देखिए ये गिज़्मो है। इस गिज़्मो का डाउनलोड करने का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखिए दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए हमें पहले उसको ओपन करके फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये ओपन होगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा गिज़्मो ओपन हो गया है, अब हमें जैसे कि मुझे एक्सपी की सीडी बनानी है, तो यहाँ पे मैं विंडो एक्सपी की सीडी को लाया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये विंडो एक्सपी, आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो एक्सपी लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे विंडो एक्सपी लिख रखा है। हमें इसको अब हमें इस डीवीडी राइडर के अंदर डालना होगा। तो देखिए, ये जैसे ही डीवीडी राइडर है, इसको मैंने खोला और फिर अब इसमें मैं ये सीडी डाल रहा हूँ। सीडी डाल के इसको हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि अच्छे से हो जाए। तो फिर देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारी सीडी इधर, देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारी सीडी यहाँ पे कनेक्ट हो गया। आप अपना जिस पीसी खोल के देख सकते हैं। देखिए हमारी सीडी इधर कैच हो गई है। तो फिर देखिए, अब हमें जाना है क्रिएट आईएसओ फ्रॉम डिस्क। देखिए दोस्तों, आप अपना ढूंढ लीजिएगा क्रिएट आईएसओ फ्रॉम डिस्क। तो हमें इस पर जाना है, ये आपकी सीडी को सिलेक्ट कर देगा और फिर आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद ये कुछ समय लेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा हो गया है, हमारा स्टार्ट हो गया है, तो इसकी ये कुछ समय लेगा। देखिए यहाँ पे आपको टाइम दे रहा है, ये इतना टाइम लेगा, ये अभी 7 मिनट लेगा टोटल। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा कैसेट और 60% क्रिएट हो चुका है, मतलब कि इसकी लगभग आधी चीज़ें कि आईएसओ इमेज बन चुकी है। तो दोस्तों, अब हम इसके पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से पूरा हो। उसके बाद कुछ और स्टेप्स हैं जिसको मैं आपको करके बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके कंप्लीट होने के बाद इसने सीडी को अपने आप ही बाहर निकाल दिया। तो अब हम इस सीडी को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस सीडी को बाहर निकाल रहा हूँ और फिर हमें इसकी जगह दूसरी सीडी को डालना है, जो आप मार्केट से एकदम फ्रेश खरीद के लाएंगे, खाली सीडी होगी वो, हमें उसको उस वाली सीडी की जगह डालना है। और फिर देखिए, हमें कुछ थोड़ा सा और टाइम लगेगा ताकि ये कैसेट को लोड ले ले। जैसे कि हम इधर देखते हैं डिस्पीसी में, देखिए अभी ये पूरी तरह से इसने कैसेट को सर्च नहीं किया। देखिए दोस्तों, हमारी कैसेट आ गई है। आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि हमारी कैसेट अभी बिल्कुल खाली है, लेकिन कुछ देर बाद ये पूरी तरह भर जाएगी। तो दोस्तों, चाहे तो आप, अगर आप अभी ही सीडी को बंद भी करना चाहते हैं, तो आप सीधा क्रिएट इमेज पे जाके फिर आपको आईएसओ इमेज को डिस्क पे जाना होगा। अब इस पे जाने बाद आपको अपनी सीडी सिलेक्ट करनी है, नहीं तो अगर आपने गिज़्मो बंद किया था, फिर दोबारा चालू किया है, तो फिर आपको बर्न आईएसओ टू डिस्क में जाना होगा। इसमें जाने के बाद आपको इमेज देगा एक, कि आपको इमेज चूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने तो अभी एक ही इमेज बनाई थी, तो हम